बढ़ रहे हैं आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के पुणे से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बावधन के पास में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। बावधन के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तीन लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। हेलीकॉप्टर में तीन लोग सवार थे। ये हादसा बावधन इलाके के राव पहाड़ी इलाके में सुबह करीब 6:30 बजे से 7 बजे के बीच में हुआ है। क्रैश होने के बाद से हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है। तीन लोग बुरी तरह से झुलस जाते हैं, जलकर मौत हो गई है इन तीनों लोगों की। हेलीकॉप्टर में तीन लोग सवार थे, जो जानकारी मिल रही है, और तीनों लोगों की दर्दनाक मौत की पुष्टि कर दी गई है। तस्वीरें भयावह हैं जो आप तक पहुंचा रहे हैं। हेलीकॉप्टर जैसे ही क्रैश हुआ उसमें आग लगी। तीन लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिनकी जलकर मौत हो चुकी है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे से हैं। धुंधुकर जलती ये दूर से तस्वीरें देखी गई हैं धुएं की, क्योंकि यहाँ हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसमें तीन लोग सवार थे। पायलट को मिलाकर दो और लोग मौजूद थे। ऑन स्पॉट तीनों लोगों की मौत हो गई है, क्योंकि जैसे ही हेलीकॉप्टर जमीन पर गिरा उसमें आग लग गई। आजमगढ़ में डग्गामार गाड़ियों और ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के खिलाफ अब अभियान चलाया गया है। एक दिन में 6,717 गाड़ियों का चालान किया गया है, साथ ही 414 गाड़ियां सीज कर दी गई हैं। चेकिंग के दौरान ओवरलोड गाड़ियों के पूरे कागज नहीं मिले हैं, जिसके बाद लाखों का चालान काटा गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 6,717 गाड़ियों का चालान हुआ है, जिसमें 414 गाड़ियां सीज भी की गई हैं। डग्गामार गाड़ियों के खिलाफ आप कह सकते हैं ये बड़ा एक्शन है, बड़ी कार्रवाई है। डीआईजी के निर्देश पर ही आजमगढ़ मंडल में यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके द्वारा 6,717 गाड़ियों का चालान किया गया। बढ़ते हैं आगे। वाराणसी में डीआरएम ऑफिस में छापेमारी के बाद में सीबीआई ने आरोपी इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया है। सत्यम कुमार सिंह को 2 लाख रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। आरोप के मुताबिक उसने रेलवे टेंडर के लिए 2 लाख की घूस मांगी थी। गिरफ्तार इंजीनियर के घर से कैश, आभूषण समेत कई लग्जरी आइटम्स बरामद किए गए हैं। ठेकेदार की शिकायत पर सीबीआई कार्रवाई कर रही है। उधर लखीमपुर खीरी में छेड़छाड़ कर रहे शोधों को बहादुर लड़की ने खदेड़ दिया। कंपनी बाग में शोधे लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे थे, जिसके बाद लड़की ने बेखौफ होकर शोधों की क्लास लगा दी और पार्क में उन्हें खदेड़ दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो लड़के लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, इस अकेली लड़की ने इन सारे लड़कों को खदेड़ दिया है। छेड़छाड़ करने वाले इन लड़कों को इस लड़की ने खूब लताड़ा।